अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस ब्रश का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये ब्रश बिगनरों के लिए बहुत ही अच्छा है। एज अ बिगनर मैं बहुत ही रिकमेंड करूंगी कि ये ब्रश आप यूज करें। ये ब्रश है स्टार्ट मेकर्स के नाम पे ये ब्रश है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने इसे अमेजोन से बाय किया था। इस ब्रश की खासियत है कि आप बहुत ही इजीली इस ब्रश के थ्रू आई मेकअप कर सकते हैं। ये सिर्फ आई मेकअप के लिए है ये सारे ब्रश। तो मैं वन बाय वन बताती हूँ कौन कौन से ब्रश कौन कौन से चीज के लिए आता है। सबसे पहला मैं ये लूंगी, ये हो गया। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये है ब्लेंडिंग ब्रश। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, इसकी जो क्रिस्टल्स है वो भी बहुत ही अच्छा है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है। इस ब्रश सेट पे आपको 1, 2, 3, 4 ब्लेंडिंग ब्रश दिए गए हैं आपके, जिसमें से एक ब्रश बिल्कुल स्मॉल है, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है। उसके बाद से ये आते हैं, ये थोड़े स्मॉल, इससे थोड़ी सी बड़ी है ये ब्रश, और ये सबसे बड़े वाले हैं। वाह, और ये जो थोड़ा थिक है ये वाले ब्रश। तो ये सारे हैं, ये वाले होते हैं जो अधिकतर आपके जो आई मेकअप में जो फाउंडेशन ये कंसीलर लगा के जब हम उसको रेडी करते हैं आई मेकअप के लिए, तब वहां पे पाउडरिंग करने को या पूरे कंसीलर को अच्छे तरह से मर्ज करने के लिए आपका ये होता है। एक्स्ट्रा जो आई शेडो लग जाता है या पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं आई शेडो में आई मेकअप में, तो वो चीज को डस्ट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज में आता है। और ये रहा ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं ये हमारे जो क्रीज लाइन हम लोग बनाते हैं आई मेकअप में, क्योंकि जिनको आई मेकअप करना जानते होंगे उनको पता होगा जो क्रीज लाइन हम बनाते हैं, तो क्रीज लाइन में ये क्रीज को ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। इससे आराम से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं ये आपके ऊपर के क्रीज लाइन को ब्लेंडिंग करने के लिए। और जो ये आती है, ये सबसे छोटे वाले जो होते हैं, जब हम कोई भी आई मेकअप में डबल सेट जो बनाते हैं आई मेकअप, जो कॉर्नर में अलग सेट होते हैं और जो अलग अलग सेट रहते हैं, उसको जो कॉर्नर में जो होते हैं वहां पे आई ये ब्रश यूज करने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है जी। और ये भी, ये आपके बीच में भी जब आई मेकअप, जैसे मैं आई मेकअप का भी वीडियो डालूंगी तो उसमें आप देखेंगे कि ये ब्रश मैंने कैसे कैसे यूज किया। उस समय मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल देख करके बतलाऊंगी कि कौन सा ब्रश कैसे यूज करते हैं। ये रहा ये ब्लेंडिंग ब्रश। ये ब्रश है जिससे हम जैसे आप ग्लिटर आई मेकअप बनाते हैं, तो वहां पे ग्लिटर टैप करके वहां पे लगाने के लिए, या कोई भी आई शेडो को सिर्फ आई में लगाने के लिए, मतलब उसको अप्लाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है। उसके साथ साथ जब आप अपने आईब्रोज बनाते हैं, आईब्रोज को फिल करते हैं, तो वहां पे आईब्रोज को पूरा क्लीन करने के लिए और अच्छे तरीके से शेप देने के लिए जब हम वहां कंसीलर से उसको शेप देते हैं, तो ये कंसीलर लगाकर शेप देने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है ये। और ये दो ब्रश सेम दिया गया है इस पैक में। तो ये जो ब्रश है इससे आप को जो क्रीज लाइन होता है वहां पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आई शेडो अप्लाई करने के लिए और साथ में साथ जब हम लोग मेसी आई लाइनर जो लगते हैं, जो आई मेकअप जो हम बनाते हैं उसके आई लाइनर को मेसी बनाते हैं, जब उसको मैस करते हैं, तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये दो ब्रश दिए गए हैं जिससे हमें बहुत ही आसानी होता है वो मैस करने के लिए। और ये आई शेडो का कोई भी चीज जो हम लोग ऊपर खींचते हैं या कोई भी मैस करते हैं उसके लिए ये बहुत ही स्मच करने के लिए बहुत ही अच्छा ये वाला ब्रश। ये मेरा पर्सनली, मैं ये यूज करती हूँ और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस से
मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये ब्रश कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ बिगनर के लिए, ये क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, आपके पॉकेट मनी पॉकेट फ्रेंडली भी है, और आप जो बिगनर है जिन्हें नहीं पता होता कि कौन सा ब्रश लें स्पेशलिस्ट आई मेकअप के लिए, तो ये ब्रश जरूर आप लें एक बार और यूज करके देखें कि हाँ सही है कि नहीं। उसके बाद से ये हो जाता है, ये ब्रश भी इसी की तरह है लेकिन ये छोटा है, मतलब ये थोड़ा इससे स्मॉल साइज में है। जैसे आप कंटोरिंग, नोज कंटोरिंग हो गया या आई कंटोरिंग भी होता है, मतलब ये कंटोरिंग के लिए अच्छा है, जैसे नोज कंटोरिंग वगैरह करते हैं वहां पे, या किसी भी चीज को मैस करने के लिए, मतलब इसको मिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। ये हो गया आईलाइनर ब्रश, जैसे आप देख रहे हैं ये आईलाइनर ब्रश है, ये दोनों आपका आईलाइनर ब्रश है। ये ब्रश आई मेकअप जब स्टार्ट करने से पहले कंसीलर अप्लाई करते हैं तो इससे अप्लाई करेंगे और इसे मैस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे आई पे कंसीलर अप्लाई हो जाता है, बहुत आसानी से इससे मैस भी हो जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो ये ब्रश हम उसके लिए यूज करते हैं। ये हो गया, और ये ब्रश है आपका स्टार्ट मेकर का है, स्टार्ट मेकर का है, जैसे आप देखते होंगे मेरा कैमरा अगर ले ले, हाँ है ना, स्टार्ट मेकर्स, ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल है, मैंने अमेजोन से इसे परचेस किया था। और ये लास्ट वाला ब्रश है, इसे आप आईलाइनर भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और प्लस आप इससे अपने आईब्रो को फिल भी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसको आईब्रो फिल करने के लिए और आप इसे आईलाइनर एज आईलाइनर अप्लाई करने के लिए ये ब्रश यूज होता है। तो मेरा सब ये रहेगा कि ये जो बिगनर हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, ये मैंने लिया था समथिंग 400 कुछ समथिंग था ये, तो इसलिए बहुत अफोर्डेबल है, और आपको ये लेने के बाद आपको आई मेकअप के लिए कोई और दूसरा ब्रश का कोई जरूरत नहीं होगा, ये टोटली आपका आई मेकअप के लिए स्पेशलिस्ट है ये। तो ये है, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज आप अपने कमेंट पे मुझे बताएं। थैंक यू।